गर्मी का मौसम सूरज निकलने के कुछ देर बाद महाराष्ट्र। मंगू। हाँ चंगू। इस सड़क से हजारों बार गुजरे हैं, लेकिन यहाँ एक भी कायदे का होटल नहीं मिला। यार अगर यहाँ आलिशान 5 सितारा होटल बना दिया जाए तो कारोबार बेहद अच्छा होगा, रोजाना मोटी कमाई होगी। हाँ तो देर किस बात की, आज ही यहाँ 100 एकड़ जमीन खरीद लेते, बनाने का खर्चा मिलाकर अंदाजतन 500 एकड़ की लागत है बस। अरे मेरे पास 1500 के पुराने नोट हैं, एक्सचेंज करा के उसे भी सरमायाकारी कर देंगे, अपने निकाह का जश्न उसी 5 सितारा होटल में करेंगे। मैं तो निकाह करूंगा ही नहीं। क्यों चंगू? जब से ऐश्वर्या राय ने शादी की है ना, मैंने अपने दिल से शादी का ख्याल ही निकाल दिया। सही फरमाया मंगू। हाँ? मैं तो करीना को चाहता था लेकिन वो सैप से जाकर के चिपक गई। देखो चंगू भाई, इन अदाकारों को हिसाब लगाना नहीं आता, नहीं तो अदाकारों की वजह हमसे निकाह करती। मेरी बचत तुम सबसे ज्यादा है ना। क्या बात करते हो, मेरे पास तो साइकिल है, उसमें पेट्रोल भी खर्च नहीं होता, तो मेरी बचत तुमसे ज्यादा हुई ना। अबू का कहना था कि अमीर लड़की से निकाह करो, खुशहाल रहोगे। सही कहते, हर किसी का वक्त आता है भाई, अपने सेविंग का पैसा जमा करके स्टाइल स्टाइल मार के लड़कियों को पटाते हैं। देखने में कोई हीरो से कम थोड़े ना लगते हैं। सिख सबक के साथ दौलत भी दी होती ना तो पटाना आसान हो जाता। ए चंगू जरा यहाँ रुको तो। मंगू। हाँ? आलिया के वाले से रिश्ते की बात कर लूँ क्या? उसके लिए तू जरा ज़ईफ़ लगेगा भाई। अरे कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा भाई। वैसे उसकी बड़ी बहन की जरा सी कम उम्र होती ना तो मैं खुद उससे तुम्हारे निकाह की बात चलाता। कहीं और सेटिंग नहीं हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती, डर्टी पिक्चर वाली अदाकारा है ना विद्या बालन, अगर बोलो तो उसके साथ तुम्हारा निकाह करवा सकता हूँ। उसके साथ ही सही रहेगा, उसकी डर्टी पिक्चर मैंने 14 दफा देखी है। भाभी जान पे गंदी नजर रखते हो। देखो मैंने तो हर बार अलग अलग रंग के चश्मे से देखी थी ना, तब इल्म नहीं था ना कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। रेखा जवान होती तो भाभी जान होती तुम्हारी। उसकी जवानी की फिल्में मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, पहले जरा इसको अपलोड करते हैं। इतनी देर बाद तशरीफ ला रहे हो तुम? होम मिनिस्टर के खिलाफ काफी सबूत है हमारे पास। वो ना शक्ल दिखाने लायक रहेगा और नहीं सीट बचाने लायक, हर चैनल की सुर्खी बनेगा, देख लेना। वजीर दाखिला के खिलाफ अखबार में लिखेगा? हाँ? ए रुको, कहाँ भाग रहे हो? ए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। गाड़ी ए, 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 ए। अब क्या करें, चल निकलते हैं। ए गाड़ी से निकल, नहीं तो ठोक देंगे। चल रहे, बाहर निकल भाग इधर से, चल निकल यहाँ से, चल निकल गाड़ी से, वजीर दाखिला के बंगले पे ले चल।
महाराष्ट्र का गणेश मंदिर। एक खास वजह से इस मंदिर का अलग ही रुतबा है। यहां भगवान की मूरत के अलावा हैरत अंगेज करिश्माई ताकत वाली सोने की गणेश जी की मूरत भी है। लोगों का मानना है कि उस मूरत को देखने भर से सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। लेकिन आज मंदिर के पुजारी ने मूरत को चुराकर उसको किसी कारोबारी को 10 लाख में फरोख्त कर दिया। सरमा का मौसम, सुबह का वक्त, हैदराबाद। अरे क्या हूं, मैं नीचे खड़ा हूं, जल्दी आओ। 5 मिनट रुको, आती हूं। कितनी देर लगाओगी? कहाँ ना आ रही हूं। हेलो अम्मी, सुबह का ख्वाब वाकई सच होता है? सूरज निकलने से पहले देखी हो तब? अगर सूरज निकलने के बाद देखा हो? मालूम नहीं, तुमने ख्वाब क्या देखा? आपका रब्बू का तलाक हो गया। मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है, चल मुझे बहुत काम है, फोन रख अब। अच्छा एक मिनट, आप भी कैसी हैं? दुरुस्त है, अगले हफ्ते डिलीवरी की तारीख है। उनसे कहिएगा कि मुझ जैसी खूबसूरत और होशियार बेटी को जन्म दे। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ। तुम्हारी अम्मी कब आ रही हैं? क्यों, अम्मी से कोई काम है क्या? नहीं, यूं ही पूछा। याबू पर चांस बांध रहे हैं या फिर मेरी शिकायत करनी होगी? नहीं, बस यूं ही पूछा था मैंने। वो 3 महीने बाद आएंगी। ए सुनो, तुम कल ट्यूशन क्यों नहीं आई? कल मेरे पेट में दर्द हो रहा था। झूठ मत बोलो, कल तुम खेल रही थी ना, कल सबक याद करके आना। दीदी आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ये जानकर तुम क्या करोगी? ताकि आप रोज शाम को उससे ट्यूशन ले सके। बदमाश, पेट में दर्द अभी भी है।
यमदूत कहाँ है? आज शनिचर है, मंदिर गया होगा। इतनी देर कैसे हुई? माफ कर दो, असल में तुम्हारे फोन से मेरी आँख खुली थी। आखिर कब तक तुम्हारी ड्राइवर बनी रहूंगी? तुमने स्कूटर बुक किया था ना? क्या मालूम नहीं, शोरूम से कॉल तो आया था, शायद इस हफ्ते में मिल जाएगी। ये किसकी बाइक है? नई खरीदी है? दिमाग खराब है क्या? बेचारी तनहा खड़ी थी। अच्छा समझ गई। एक और दो ना, बहुत भूख लगी है। दो ना। खुदा आपका भला करे। शुक्रिया। काफी क्रिएटिव भिखारी है, क्रिएटिव दुआएं दे रहा है। ओह, आज एक नए शोरूम का इफ्तिताह होने वाला है। रिबन काटने के लिए फिल्मों की किसी अदाकारा को बुलाया है? चलो हम लोग भी अपने कारोबार का इफ्तिताह करते हैं। कैश लाए हो? मैं क्या तुम्हें स्याह दिख रहा हूं जो बैग लेकर घूमूंगा? मुहूर्त निकालो। क्या हुआ? मेरा मिजाज बदल गया। भाईजान आपका फोन। हाँ बोल। नहीं भाईजान, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही किसी ने उस सेठ का कत्ल कर दिया भाईजान। और उसके पास मुहूर्त भी नहीं थी। हे ऊपर वाले बरकत दे। अबे ठीक कर रहे हो कि खराब कर रहे हो? करो करो। ए कब से फोन बज रहा है, उठाओ ना। फोन बजने से इतनी परेशानी हो रही है तो खुद क्यों नहीं उठा लेते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं फोन ऑपरेटर हूं? क्यों फालतू में दिमाग खराब कर रहे हो? अरे यार, ये किराए पर जीने वाला शख्स फिर किराया लेने आ गया। आ गया तुम्हारा दीवाना, जरा डालो तो इसे दाना। ये इस काम के लिए आए थे? हो गया, अच्छे से ताड़ लिए ना, अब दफा हो जाओ यहां से। अभी काम कहां हुआ है, तुम बाहर आओ, कुछ गुफ्तगू करनी है।
आंखों को सुकून मिल गया हो तो बाहर चलें। अभी मुझे जिम जाना है, कल बात करते हैं। किराए में से 200 काट लेना। सिर्फ 200? ठीक है, 2000 काट लेना। आपने आज डिलीवरी करने के लिए कहा था, ये रहा बिल। गॉडविन के पास जाइए। वो स्कूटर की मालकिन आ गई है, उस जानिब देखो। ये कितनी खूबसूरत है, आज से इसका नाम बसंती। क्या कहा, बसंती? हाँ बसंती, अच्छा नहीं लगा नाम? अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसको बाहर ले चलो। किसे फोन लगा रही हूँ? अम्मी को। हेलो अम्मी। हाँ? मैंने स्कूटर की डिलीवरी ले ली है। अच्छी बात। अच्छा ये बताइए कि नारियल स्कूटर के ऊपर फोड़े या जमीन पर? तुम्हें इल्म नहीं है कि मेरे सोने का वक्त है, फालतू का सवाल कर रही हो। नारियल अपने सिर पर फोड़ लो। ये नहीं सुधरेंगी। हेलो अम्मी। अरे अब क्या है? ये बताइए कि रिबन आगे की तरफ बांधे या पीछे की तरफ? एक काम करो, उसे अपने मुंह पर बांध लो, कम से कम जरा देर चुप तो बैठोगी। हेलो अम्मी। स्कूटर में पेट्रोल है ना? हाँ, पंप तक पहुँच जाएगी। सबसे नजदीक पंप कहाँ पड़ेगा? बस बस चौक के पास ही है। ये लीजिए। शुक्रिया मैडम। दिल नहीं लग रहा यार, क्या करें? सिनेमा देखने चलते हैं, चोरों का राजा मस्त है। सलाम साहब, कैसे हैं? क्या रे छोटू, तू तो सागर होटल में था ना, यहाँ टपरी पर कैसे? वो मालिक के साथ मेरी पट्टी नहीं थी ना। मालिक से नहीं पट्टी थी या फिर उसकी बेटी से? मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ। एक काम कीजिए, मुझे भी अपने गैंग में रख लीजिए। अरे तुमने मुझे बालिका वधू का प्रोड्यूसर समझा है क्या, जो तुम्हारी जिंदगी में रंग भर दूँ? वैसे भी तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है। क्या बोले, काबिलियत नहीं है? रुकिए अभी दिखाता हूँ अपनी काबिलियत, देखिए। मेरी जेब किसने काटी? तेरी काबिलियत हमारा जनाजा निकाल देगी। जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। बेटा तालीम हासिल करके डॉक्टर या आईएएस अफसर बन, फिर कायदे से सबकी जेब काटना। ए, ये भी तू ही खा ले। इडली ठंडी है यार। गर्मा गर्म नोट वहाँ है। अरे सर उठा तो लिया, लेकिन खोलिएगा मत, अगर बम हुआ तो? डर लग रहा है तो दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ या खुदा, इतने पैसे! लगता है किसी का गलती से गिर गया है। गलती से नहीं, भागते हुए किसी चोर ने फेंक दिया होगा यहाँ पे। अब क्या किया जाए? कोतवाली जाना वाजिब रहेगा, चलिए वहीं चलते हैं। अरे रुको रुको रुको, कोतवाली जाने की क्या जरूरत है, ईमानदारी में रखा क्या है? पुलिस ने हमें ही चोर समझ लिया तो? उनको जो समझना है समझ लें, किसी और का पैसा रखना हराम है। पैसे का कानून है कि वो जिसके हाथ में आए उसी का हो जाता है। एक काम करते हैं, इसके मालिक को ढूंढते हैं, अगर उसका पता नहीं चला तो ये रुपये यतीम खाने को दे देंगे। हम यतीम हैं, हमें दे दो। तो फिर बैग को इसी जगह छोड़ देते हैं। रुको भाई, तुम लोग कहो तो इस बैग को मैं अपने साथ लेकर के जाऊं क्या? शक्ल से ही पैदाइशी चोर लग रहे हो। भाई कहो तो रुपये मैं ले जाऊं। अच्छा जब तुम्हें हम पे यकीन नहीं तो हम क्यों करें? तो तुम ही रख लो। ना 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 ना, क्या गारंटी है कि रुपए सही जगह पे जाएंगे? नियत खराब होने में कितना वक्त लगता है भाई, अगर इसने रुपए हड़प लिए तो? एक काम करते हैं, एक हफ्ते तक ये बैग मैं रखता हूँ, अगर अखबार टीवी में कोई खबर नहीं दिखी तो फिर देखेंगे कि क्या करना है, या तो बांट लेंगे या जकात दे देंगे। ठीक है भाई, इस हफ्ते मेरी बहन का निकाह है, कर्ज समझ के मुझे दे दो। ये बहन का निकाह है। ठीक है, जरा एक मिनट ये बैग पकड़ोगे? ये लो जमानत के तौर पर 50,000 और दे रहा हूँ। अब ये बहन का निकाह बड़े पैमाने पर करेगा, 25 लाख में स्विट्जरलैंड भिजवाएगा। क्या कहा, इस बैग में 25 लाख है? इस बैग में कितने रुपए हैं इसका इल्म तुम्हें कैसे? गिनकर देख लीजिए। अबे भाग जल्दी! अरे अरे पकड़ो ने! ए रुक 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 रुक! अरे पकड़ो पकड़ो, अरे लूट लिया, पैसे लेके भाग रहा है। अरे रुक 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 रुक।
अरे बाप रे, गाड़ी पर तो खून लगा है। पहले दिन किसी को उड़ा के आ रही हो क्या? वो खून नहीं है, कुमकुम है। स्कूटर मंदिर ले गई थी। मेरी बसंती से मिलता जुलता कोई हेलमेट दिखाइए ना। हाँ? वो वाला कितने का है? आपको कितने तक का चाहिए? मैं कहूँगी मुफ्त में चाहिए तो मुफ्त में देंगे। मैडम आपका बजट कितना है? 100 रुपए में ISI मार्क वाला हेलमेट चाहिए। ISI वाला पैसा और दीजिए। मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगी, देना है तो दीजिए। अगर सर फूटने से बचाना है तो 1000 वाला ले लीजिए, और सिर्फ चालान से बचना है तो 100 वाला ले लीजिए। सरकार ने 500 तय किया है। एक काम कीजिए, 700 दीजिए और ले जाइए। 550 नहीं नहीं, मुझे नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं बच पाएगा। आप समझिए मैडम, सब आएगा। देखो मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए 150 ज्यादा दे रही हूं। नुकसान हो जाएगा। अब 400 से ज्यादा नहीं देती हूं। इसका वारंटी कार्ड कहां है? अरे मेरा बात सुनिए, मुझे नुकसान हो रहा है। अरे ऐसे लग रहा है। अरे रुक जाओ, भाग रहे हो। अरे रुको से। अरे रुक जाओ। कोतवाल साहब कहां मिलेंगे? वो सामने वाले कमरे में। क्या चाहिए आपको? मुझे कोतवाल साहब से मिलना है। वो फिलहाल मीटिंग में है, आप बाद में आ जाइए। मेरी बसंती चोरी हो गई। अच्छा, कितने साल की थी? हो सकता है पड़ोसी किसी घर में गई होगी। देखिए आप शिकायत मत कीजिए, वो जरा देर में आ जाएगी। इसकी स्कूटर का नाम बसंती। स्कूटर है। का नाम बसंती है तो पहले बताना चाहिए ना। वहाँ साहब के पास रिपोर्ट लिखवा दीजिए, जाइए। अच्छा, मेरी स्कूटर चोरी हो गई। उस शख्स की बीवी चोरी हो गई, उसकी साली चोरी हो गई। क्या वो रो रहा है और तुम स्कूटी के लिए रो रही हो? अच्छा तशरीफ रखो। हाँ तो बताइए, चोरी कब हुई? आज सुबह। कहाँ पर हुई? बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पेट्रोल पंप के पास। उस वक्त तुम वहाँ क्या कर रही थी? फुटपाथ से हेलमेट खरीद रही थी। जब तुमने उसे लॉक कर दिया था तो फिर चोरी कैसे हुई? लॉक नहीं की थी। हैं? वो एकदम नई स्कूटर थी, बार बार स्टार्ट और बंद करने से बैटरी खराब हो जाती है ना, इसलिए नहीं की। आपकी तवज्जो बैटरी पर थी और उसकी तवज्जो स्कूटी पर। जैसे आपकी नजर हटी वो उसको उड़ा ले गया। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर और पता वहाँ दर्ज करवा दीजिए, जैसे ही मिलेगी आपको इत्तला कर दी जाएगी। ठीक है, एक काम कीजिए, जरा वो वांटेड वाली फेहरिस्त में देख कर बताइए कि क्या उसमें से कोई था। इन लोगों की पीछे से खींची तस्वीर नहीं है क्या सर? दिमाग खराब हो गया है क्या? पीछे से खींची तस्वीर देखकर क्या करेंगी? मैंने उसे सिर्फ पीछे से ही देखा था। ठीक है, जैसे ही वो हमें मिलेगा हम पीछे से तस्वीर खींच लेंगे। थैंक यू सर। इस तरफ। हाँ, और अपना मोबाइल नंबर भी लिखवा दीजिएगा। हाँ, हाँ। अम्मी को इल्म नहीं होना चाहिए, स्कूटर मिल जाएगी ना? जरा मुश्किल है पर मिल जाएगी, तो फिक्र मत कर। ये तुम रख लो, फिलहाल मेरे काम का नहीं। हे टीचर आ गई, टीचर आ गई। गुड इवनिंग टीचर। टीचर टीचर, मेरा होमवर्क हो गया है, तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? क्यों? मेरे अब्बू ने नया स्कूटर लिया है और हम लोग उस पर बैठकर घूमने जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। शुक्रिया टीचर। तुम लोग भी जा सकते हो, आज छुट्टी है। खुदा हाफिज टीचर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज टीचर। हैदराबाद से 19 किलोमीटर दूर एक अनजान जगह। इसको संभाल कर रखो, मैं शाम तक लौटूंगा। तुम जा कहाँ रहे हो? बॉस को पैसे लौटाने हैं। है पंडित जी, ठीक से बांधिएगा, वो मूरत 2 बार मेरे हाथ से निकल चुकी है। फिक्र मत कीजिए, इस बार बहुत मजबूत धागा बांधा है। सिर्फ सैटेलाइट की वजह से शनि ऊपर बहुत मजबूत हो गया है। जो भी परेशानी है सब ऊपर है, हमारे धागे में नहीं। इस मर्तबा वो मूरत मेरे हाथ नहीं लगी ना, तो पहले ऊपर जाकर उस सैटेलाइट को बम से उड़ाऊंगा और फिर धागा उतार कर तुम्हारे गले में फंदा डालकर। भाईजान ये पैसे अंदर जाकर रख दो, जरा फुर्ती दिखा, उस मूरत को तलाश कर। ठीक है भाईजान। अच्छा पंडित जी, बदन बहुत अकड़ रहा है, जरा बताइए कौन से पार्लर जाया जाए? पार्लर में किस लिए? मसाज। कोतवाली से कोई फोन आया था क्या? नहीं अभी तक तो नहीं। हाँ एक पुलिस वाला आया था, कह रहा था कि 500 रुपए दे दो आपका स्कूटर ढूंढ दूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। हेलो बेटा। स्वाति। आदाब आंटी। आंटी अब वो घर पर है, आपके लिए गोल्डन चांस है। ए, पागल है क्या?
अम्मी आप हैं? इतने सलीके से बात करिए, मुझे लगा सुंदरम आंटी हैं। अच्छा आप सुन, वो अपने प्रसाद अंकल है ना, उनका बेटा है वासु। वासु ये कौन है? तेरा होने वाला शौहर है, मैंने उसे तेरी तस्वीर भेज दी है। मेरी तस्वीर? हाँ। किससे पूछकर भेजी? मेरी इजाजत ली क्या? इसमें तुम्हारी इजाजत लेने की क्या जरूरत है? लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महीने की 4 लाख तनख्वाह है। और क्या चाहिए तुम्हें? उसके साथ बेहद खुश रहोगी तुम। अम्मी मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। डॉली उसका पीछा करो। वो देखो वही मेरी स्कूटी है। तुझे यकीन है? पहले कायदे से देख ले। 100% कोई शक नहीं, वो मेरी ही स्कूटी है। तो इसी ने चुराया था? इसका इल्म नहीं, उस रोज शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन ये देखने में चोर जैसा नहीं लग रहा है ना? मुझे तो शक्ल से ही एक नंबर का चोर लग रहा है। ठीक है अभी इसे आजमाते हैं, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। चेक कर लो। यहाँ सबके रूबरू? ये मेरी स्कूटर है। तुम्हें कहाँ से मिला? हकीकत बताया तो पटेगी नहीं, चूना लगा गया। मजबूरी बताकर 40,000 में स्कूटर चिपका गया। वालिद का ऑपरेशन है, वालिदा को कैंसर है बोलकर स्कूटर मुझे बेच दिया। मैं उसकी बातों में आ गया और स्कूटर खरीद लिया। ये मेरी स्कूटर है, बंजारा हिल्स पर चोरी हो गई थी, मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। मेरे साथ आओ मैं साबित करती हूँ। अब सुनिए ना, आप भी तो हमारी तरह प्यारी खूबसूरत और मासूम हैं, और वहाँ अंदर तो सारे गुंडे बैठे हुए हैं। मामला यही सुलझा लेते हैं ना प्यार से। पता है 2 लीटर पेट्रोल डाल चुका हूँ इसमें। देखिए मुझे यकीन हो गया है कि यह स्कूटर आपका ही है, आप चाहें तो इसे अभी ले जाइए। बस उस चोर को पकड़ने में मेरी थोड़ी मदद कर दीजिएगा। जरूर। खुदा हाफिज, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। ए ऑटो अबे रोकना। ओ मेरी बसंती। ए ऑटो। सुनो तुम कैसे जाओगे? कौन मैं? यहाँ ऑटो जल्दी मिलती नहीं है, बस भी कभी कभी आती है, बस आने का इंतजार कर लूंगा। किस जानिब जाना है? उस जानिब। मैं उसी जानिब जा रही हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी बसंती मिलेगी। आजकल तुम्हारे जैसे भले लोग मिलते कहाँ हैं? भला भी और होशियार भी। तुम करते क्या हो? मैं? हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओह कहाँ पर? मीना बाजार। मीना बाजार में कौन सी कंपनी? वो HP। ओह अच्छी कंपनी है। अच्छा अब तुम अंदाजा लगाओ मैं क्या करती हूँ। सहाफी हो। अरे तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? जाहिर है इतने सवाल आप तो सहाफी ही करते हैं, आसान है। अच्छा ये बताओ तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने क्यों जाते हो? शक्ल से तो तुम एकदम इंजीनियर नहीं लगते। जाहिर है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो अस्पताल में मरीज देखने थोड़ी ना जाऊंगा। हाँ, बहुत सारे सवाल पूछकर तुम्हें बोर तो नहीं कर दिया? अरे नहीं, तुम्हारे इन सवालों की वजह से अब मैं खुद को ज्यादा जानने लगा हूँ। यहाँ क्यों रोक दिया? तुम्हें यहाँ कोई काम है क्या? तुम्हें तो बताया था तुम HP में काम करते हो। अरे हाँ यही खोली मतलब दफ्तर है HP। एक बार फिर से स्कूटर के लिए शुक्रिया। अरे कितनी दफा बोलिएगा, ये तो मेरा फर्ज था। तुम जैसे ईमानदार इंसान को जितनी बार शुक्रिया अदा करें कम। ऐसी बात है तो मेरा नंबर ले लीजिए, फिर हर घंटे फोन करके शुक्रिया अदा कीजिएगा। बताओ 9645355451। तुम्हारा नाम? मैं सूर्या। स्वाति। हाय। ओके देन फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। स्वाति स्वाति स्वाति, अब अगर मेरा शुक्रिया अदा करने का दिल किया तो एक मर्तबा फोन तो चेक कीजिए। हे ठहरो। सॉरी। Bye-bye.
क्या बताया तुमने उसे? हेलो, तुम एचपी में काम करते हो? बेवकूफ, यूलेट पैकर्स में नौकरी है, आसान नाम नहीं मिला था क्या? ये तो डिमोनिटाइजेशन से भी मुश्किल है। ए, तारे देखकर अकेले अकेले क्या मुस्कुराए जा रहे हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं। अब बता भी दो क्या बात है, वो स्कूटर वाली लड़की को ही याद कर रहे हो ना? दिल में सोच रहा था कि लड़की को कॉल करें कि ना करें। तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? तुम्हारे बारे में सोचने के लिए वो है ना, अचानक में भयानक मकान मालिक। क्यों उस मनहूस का नाम ले रहे हो? फोन बज रहा है, उसी का तो नहीं है? हेलो। हाय सूर्या। कौन? अरे मैं हूँ स्वाति, मेरा नंबर सेव नहीं किया क्या? हाँ स्वाति। अरे काम में मसरूफ था इसलिए नंबर सेव नहीं कर पाया। ओके ओके। अच्छा स्कूटी चोर का पता चला? चोर नहीं, उसका घर बंद था, ताला लगा हुआ था। अच्छा, मैं उसे बख्शूंगी नहीं, चोर कहीं का। मेरे चाचा को काला जादू आता है, उन्हें बोल कर काला जादू करवा दूंगी। मतलब एक छोटे से स्कूटर के लिए चाचा जी को क्यों परेशान करना? मैं हूँ ना, वो मुझसे बच नहीं पाएगा। उसे किसी हाल में मत छोड़ना प्लीज। छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? सुबह होगी क्या? उधर देख, चला जा। हाई कोर्ट ने छोटा कालिया को अनंतपुर में दो लोगों की बेरहमी से कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले से अलग अलग जगह से अलग अलग रद्दे अमल आ रही है। जैसा कि देखा तुमने, कालिया ने दो आदमियों का कत्ल किया है और उसके लिए जज ने उसे फांसी दे दी। हेलो दुर्गा। हाँ ये वकील साहब, बिल्कुल सही वक्त पर तशरीफ लाए। उस शख्स ने सिर्फ दो कत्ल किया और उसे फांसी की सजा दे दी। मुझे तो 25 बार फांसी पर चढ़ाएंगे। दुर्गा, पुलिस को तुम्हारे खिलाफ कई सबूत मिले हैं, तुम्हारा फांसी पे चढ़ना तय है। किसी तरह से पुलिस, जज और अपोजिशन को मैनेज करना होगा। लेकिन अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। है वकील, पीवी सब उतार दी तुमने। खौफ ज्यादा करने के लिए पैसे नहीं देता, और कितना चाहिए बोलो, बस इस केस को खींचते जाओ। हे, इसको पैसे दे दो बे। चलता हूँ दुर्गा। एक सेकेंड। इस वक्त गिरी कहाँ है? एक करोड़। दो करोड़, वक्त बर्बाद मत कीजिए। डेढ़ करोड़ दे सकता हूं। दो करोड़ एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? कल बताता हूं।
पता मालूम है आपको? किसी और से जाके पूछ लीजिए। ठीक है। स्वाति? हे सूर्या, कहाँ हो तुम? कटिंग कर रहा हूँ, और कहाँ? क्या? मेरा मतलब मीटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ तुम्हारे दफ्तर के बाहर हूँ। यहाँ के रिसेप्शनिस्ट तुम्हारे नाम से वाकिफ तक नहीं है। अरे उसने कान की मशीन नहीं पहनी होगी, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। ओके। माफ करना, दिल के डॉक्टर का फोन था। ओ बापरे। क्या भाई, फेसबुक पर जॉब क्यों नहीं देते? वो जो नया फीचर आया है वो देखा क्या? अंगूठा लगाओ, खुद जान जाओ। चलो बाद में गुफ्तगू करते हैं। स्वाति मुझे माफ कर दो, मेरे बिना कंपनी का काम नहीं होता ना। कोई बात नहीं, चलो चलो। हाँ, चलो चलो। रिसेप्शनिस्ट तुम्हारे नाम से वाकिफ कैसे नहीं? अरे वो तो चिपकू है, उसको छोड़ो ना, तुम चलो। अच्छा। अब वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या करूं? भाई वो मेरे सामने है, बस यही आखिरी रास्ता बचा है। स्वाति सब खैरियत तो है? हाँ, मैं ठीक। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। स्कूटी उठाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? मैं किसी ख्याल में मुब्तला था, इसलिए देख नहीं पाया। चलो बैग दे। माफ कर दीजिए, वो थोड़ा परेशान हूँ ना, इसलिए गलती हो गई। स्वाति ए चल बे, हट। माफ कर देना भाईजान। AP9VF5505। क्या हाल है भाईजान? अरे चलना। ये क्या कर रहे हो? मूरत कहाँ है? कौन सी मूरत? वही मूरत जो मैंने मारवाड़ी से लाने के लिए तुम्हें भेजा था, कहाँ है? लगता है मूरत को बहा दिया भाई। बताया था ना भाईजान, पूरी गाड़ी की तलाशी ले ली लेकिन कहीं नहीं मिली। पर बैग पर तो लाल रंग की चटनी थी। वो चटनी नहीं, तू मुंह में चिप्स ठूस। तू बोल बे। भाईजान मुझे कोई भी इल्म नहीं। किसका इल्म नहीं? इसका इल्म नहीं कि मारवाड़ी की जान किसने ली, या इसका इल्म नहीं कि बैग पर खून के दाग कैसे आए, या इसका भी इल्म नहीं कि तू आज जौहरी के घर गया था। अब यह मत बोल कि वहां चाय पीने गया था, याद आया कुछ? अब चुपचाप उस मूरत को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो सिर्फ तुझे ही खत्म नहीं करूंगा, तेरी बीवी है ना, उसका भी काम तमाम।
तेरे घर पर तो ताला लगा है बे, जितना सोचा था तो उससे ज्यादा होशियार है। हे, इसकी बीवी को ढूंढकर मेरे पास लाओ। इसे दोबारा से लिखो, ठीक है? ओके टीचर। आई आई, ठीक से लिखो। हाय, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। ये कौन है? ये छोटू है, छोटा भाई। तुम्हारा कोई भाई भी है? हालात ऐसे पैदा हुए कि इसको पैदा होना पड़ा। तुम किसी बात का ठीक से जवाब नहीं दे सकते ना? किस जमात में पढ़ता है ये? 2 साल पहले ये दूसरी जमात में था। मतलब अभी चौथी में है? नहीं नहीं, उसके बाद छुट्टी ले ली। क्या, मैं समझी नहीं। काफी लंबा फसाना है, सुनाने तक ये ग्रेजुएट हो जाएगा। हाय दीदी। हाय। अबे घोंचू दीदी नहीं, भाभी जान बोल। बेटा, दिल लगाकर मुताला करना और अपने भाई की तरह एक काबिल इंजीनियर बनना। इंजीनियर? छोटू, तुम वहाँ तशरीफ रखो। ओके बाय। वो किताब दो। चलिए आप इमला लिखिए। चल चल सीधा। छोड़ दो मुझे। अरे चुपचाप चल। बख्श दो, सब पता चल जाएगा। मैंने छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? अरे चुपचाप चल ना। छोड़ो, कौन हो तुम लोग? क्या किया है? अभी पता चलेगा कि कौन है हम लोग। मत मारो इन्हें। उसको बख्श दो भाई। दीदी, अगर आपके पास कोई मुरत है तो इन्हें दे दीजिए। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। AP9BF DL5505। देखो बेवकूफ, आजकल कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक रोज हमारी खाट खड़ी हो जाएगी। अच्छा, खुद तो तकिया दबाए रहता है, मेरी मोहब्बत पर शक कर रहा है। क्या मोहब्बत? संभल कर रहना। और तुमने खुद को इंजीनियर क्यों बताया? उसको हकीकत का पता चल गया तो क्या करोगे? भूलो मत कि वो एक सहाफी है। हम लोग क्राइम शो में आ जाएंगे। भाईजान, मेरे साथ आइए। महाराष्ट्र के इस कदीम मंदिर में बहुत सारी बेशकीमती मूर्तें आज भी महफूज रखी हुई हैं। जब से इन मूर्तों को अवामी नुमाइश के लिए रखा गया है, तब से हजारों लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे हैं। हाल ही में मंदिर के ट्रस्टियों को गणेश जी की मूर्त के गायब होने का इल्म हुआ है। पुलिस ने इस मामले में केस दाखिल किया है और उसकी तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मंदिर के सभी अमला से पूछताछ भी की है। तुमने इसे मंदिर से चुराया? फरोख्त कर देते हैं। अब भगवान का सौदा, मुझे जरा खतरा लग रहा है। खतरे का सवाल ही नहीं है। अरे असल से भी ज्यादा असल है ये। इसे फरोख्त करने की एक कोशिश तो की जाए। जब तक ये एक सुर्खियों में है, इसके फरोख्त की उम्मीद ज्यादा है। इस नकली मूरत के लिए बकरा कहाँ मिलेगा? ये असली तो है ना? वापस दो, इतना शक है तो किसी और को बेच देंगे। कितना मिलेगा इसका? सिर्फ एक ही आदमी इसको खरीद सकता है। हमारी कमीशन 10% रहेगी। तो तुम नहीं खरीदोगे? हाँ,
सिर्फ एक शख्स है जो ये चीजें खरीदता है। कौन है वो? म्यूजियम वाला लाल शंकर। ये कैसा नाम है? किसी भी म्यूजियम में इतनी चीजें नहीं होंगी जितनी शंकर ने खरीद के बेच दी, इसीलिए म्यूजियम लाल शंकर नाम है। तो फिर चलो। आ जाओ, यही रहता है। शंकर भाई, मुहूर्त वाली पार्टी आई है। बुलाओ। तशरीफ रखो, दीदार कराओ। यह है वो मुहूर्त जिसकी मैंने बात की थी। इसकी जांच करवा कर आता हूं। ठीक है जनाब। तशरीफ रखो। हाँ। इसकी जांच करो। साल की जिंदगी में मैंने इतनी नायाब चीज कभी नहीं देखी। एक तरह से आपके हाथ में कोहिनूर का हीरा लग गया है। शायद ये वही मूरत है जो मंदिर से गायब हुई थी। ये तो मुझे भी मालूम है, इसकी कीमत बताओ। कम से कम 10 करोड़। दस करोड़? 5 करोड़ ले आओ बुलबुल, जल्दी लाओ। इसकी कीमत क्या है भाईजान? आप ही बता दीजिए। 3। 3 की पेशकश 30 बार ठुकरा चुका हूं। आपसे यह तवक्को नहीं थी। ठीक है, तो तुम्हें कितना चाहिए? 7। ये तो काफी कम है, 8 क्यों नहीं मांगते? ये 8वां अजूबा होता तो भी 7 नहीं देता। अब सूर्या, 5 पे सौदा तय कर दो। देखिए जनाब, ना आपकी ना हमारी, 5 में सौदा पक्का करते हैं, नहीं तो हम जा रहे हैं, काफी खरीदार मिलेंगे। ठीक है, देंगे। 5 में पक्का। बुलबुल। अरे रुके, वो क्या है कि काफी बड़ी रकम है, 5 मिनट बाद राहु काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पैसे ले लेंगे। अहमक कहीं का। अरे चोर होकर पंडितों वाली बात क्यों करते हो? क्यों, 5 लाख के लिए 5 मिनट रुक नहीं सकते क्या? अकल नहीं है क्या? वैसे भी भगवान का सौदा कर रहे हैं हम। ठीक है। 5 का मतलब 5 लाख ना भाईजान? क्यों, आप क्या 5,000 समझ रहे थे? ना 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 ना, मैंने 6 लाख सुन लिए थे, इसलिए उलझन दूर की भाईजान। बुरा वक्त गुजर गया, पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ, ये लीजिए। भाई, उस स्कूटर वाले का पता लगा लिया है। हे, वो मूरत मुझे चाहिए। हे सूर्या, बोलो। हाय स्वाति, एक अच्छी खबर है, मुझे कंपनी में बोनस मिला है, तो उसके लिए शाम को जश्न मनाना है। किसी पब में चलेंगे? हे कॉन्ग्रेट्स, लेकिन मुझे ना क्लब या पब में जाना पसंद नहीं, तुम जाओ ना। अरे तुम्हारे बगैर जश्न कैसे मनाऊंगा? छोड़ो फिर, तुम नहीं आओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर तुम बुरा ना माना तो मेरे घर में पार्टी करें। चलेगा, शाम को मिलते हैं। ओके, मिलते हैं, खुदा हाफिज। Thank you.
जमीन में खलल डाल रहा है, देखो ना यार। अरे कौन है? दूध वाला। या खुदा, आज कम से कम 3 पर्स चोरी करवाना। बड़े भैया, ये भैंसा दूध देगा क्या? तशरीफ को नीचे रख दो। स्वाति कौन है? मैं हूँ। अपना हैंडबैग दिखाओ। किस लिए? गलती से मेरे आदमी ने तुम्हारे बैग में कुछ डाल दिया है। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। हर्षद, उसे जरा लेकर आओ। वो गणेश की मूरत कहाँ है जो इसने तुम्हारे बैग में डाली थी? बोलो। मुझे खबर नहीं आप कौन हैं और क्या तलाशने आए हैं यहाँ। माई सेल्फ दुर्गा प्रसाद, मैंने आज तक 40 कत्ल किए हैं। और जब मैंने ये सब खून किए तब किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब जब ये उल्टा कारोबार छोड़कर राजनीति में आने की सोच रहा हूँ तो ये चिरकुट सियासतदान पुराने मामलों में मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं और इसमें वजीरे दाखला मदद कर रहे हैं। बदले में उसे तोहफा चाहिए और वो तोहफा है वो गणेश जी की मूरत। उनको ऐसा लगता है कि मूरत मिलेगी तो वो वजीरे आला बन जाएंगे। पहले तो मुझे लगा था कि बहुत मामूली मूरत है, लेकिन कल ही इल्म हुआ कि वो मूरत 10 करोड़ की है। 10 करोड़ की है कमीने? एकदम सीधी जबान में बोल रहा हूं, इसकी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब चुपचाप बता दो वो मूरत कहां है। मैंने कोई मूरत नहीं देखी है। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, उसके बाद मेरी गन बोलेगी। मेरा यकीन कीजिए, मुझे इल्म नहीं है। तय कर लो कि गोली खाएगी या बोलेगी। भाईजान बोल। मैं बताता हूँ वो मूरत कहाँ है। जानते हो वो मूरत कहाँ है? नहीं। फिर झूठ क्यों बोला? अगर उस समय कुछ नहीं बोलता तो गोली मार देता वो, इसलिए छोटा सा झूठ बोला। सूर्या, तुम झूठ भी बोलते हो। ए, गाड़ी से निकलने तो गोली मार दूंगा। निकल। मूरत
रखने के लिए उस बेवकूफ को मेरा ही बैग मिला था। जब हमने कोई खता की ही नहीं है तो हम क्यों डरे? चलो कोतवाली में शिकायत करते हैं। स्टेशन चलते। दिमाग फिर गया है क्या तेरा? तेरी वजह से 5 करोड़ की मूरत 5 लाख में बेच दी। पुलिस को बुलाकर और गुरगुबर करना है तुम्हें। एकदम खामोश रहो। चुप। इस मुतालिक तुम्हारी अम्मा को इल्म हो गया तो? बीपी हाई हो जाएगा और दिल से धड़केगा जैसे घोड़ा खुली सड़क पर दौड़ रहा हो। तो सोचो अगर पुलिस में शिकायत करेंगे तब क्या होगा? शिकायत करेंगे तो अम्मी मर जाएंगी और नहीं किए तो हम मर जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ए, रोने से परेशानी का हल मिलेगा तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। अरे यार कुछ सोचने तो दो। याद है दुर्गा क्या बोला था कि अगर वो मूरत उसको नहीं मिली तो वो वजीर उसको कैदखाने में डलवा देगा? बोला तो था। अगर हम सब लोग कुछ रोज के लिए कहीं छुप जाएं तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम छुपेंगे कहाँ? मैं ऐसी जगह जानती हूँ। फोन देना। हेलो डॉली। सूर्या, शंकर को फोन करके वो मूरत वापस मांग लेते हैं। और अगर वो हम लोगों से 5 लाख और मांग लिए तो? ठीक है, शुक्रिया। वो आ रही है। हम डॉली के यहाँ रुकेंगे। जरा अपना फोन देना। हेलो। अच्छा जोगी, एक छोटी सी परेशानी आ गई है। अगर हम वो 5 लाख रुपए लौटा दे तो मूरत वापस मिल जाएगी? माफ करना भाई, वो नहीं हो सकता। अरे जोगी, अरे सी दिस। हाउ मच? 10 crores। 10 करोड़? एनी डिस्काउंट? नो, दिस इज हॉट प्रॉपर्टी। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो कुछ और दिखाता हूं। इस सौदे में रियायत तो नहीं दे सकते भाईजान, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे गिफ्ट रैप करके दे सकते हैं। हाँ, मूर्ति चेक कर लिया है। ये मंदी से चुराया मूर्ति है, लेकिन वो नेगोशिएशन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो डील फाइनल कर ले। ओके ओके, डील फाइनल करते हैं। ओके वेट, आप जल्दी आओ, हम ये डील करेगा। 8GLG5075। ओके ओके, अपना डील फाइनल हुआ। डील इज ओके। यू विल कलेक्ट मनी टुमारो आफ्टरनून आफ्टर 2 PM। पता बताइए। एड्रेस कल बताएगा। ओके, समझ गया। ओके, सी यू देन। अरे भाईजान, आपका कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट आपको कमरे में मिल जाएगा। जाइए जाइए जाइए। बॉस, क्या है? 1 करोड़ कब देंगे? 1 करोड़? मेरा 10% कमीशन बॉस। कमीशन तो कल ही दे चुका हूं भाई। आपको 10 करोड़ मेरी वजह से मिले हैं। ओहो, ये 10 करोड़ तुम्हारी वजह से नहीं मिला है मुझे। ये अपनी अक्ल की वजह से मिला है मुझे। अपनी औकात मत भूलना। मुझे धोखा दे रहे हैं। मेरी वजह से 10 करोड़ मिले और जब उसे कमीशन मांगी तो मुझे थप्पड़ मारा। छोड़ूंगा नहीं उसे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे झगड़ा मत कर, भूल जा। अरे कैसे भूल जाऊं, 1 करोड़ थे। हाथ में आ जाते ना तो कोई काम करके जिंदगी सुकून से कटती। कंजूस कहीं का। हाँ सूर्या, कहां पर हो तुम? सोने की खदान में है, काम बोल। उस शंकर ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया है। तो तुम अपनी आराम कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो? मुझसे क्या काम है? फोन पर नहीं बता सकता, एक बम्पर ऑफर है। उसके लिए सुबह मुलाकात करना, तब बताता हूँ क्या करना है। बम्पर ऑफर?
क्या हुआ? स्वाति, फौरन दफ्तर जाना पड़ेगा, तरक्की के लिए बुलाया है। तुम यहीं रहना, जाना मत, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ख्याल रखना, ठीक है? माफ करना, थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक में फंस गया था। ए, अब और वक्त बर्बाद मत करो, बुलाया क्यों, जल्दी बताओ। तुमने जो मूरत 5 लाख में बेची थी ना, उसने वो नाइजीरियन को 10 करोड़ में बेच दी। अरे इसकी तो, कहो तो नाइजीरियन से 10 करोड़ चुरा लेते हैं। 10 करोड़ चुराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 का नोट काफी क्या है। कहा? सिर्फ 10 का नोट? हाँ, वो 10 का नोट दिखा के 10 करोड़ मिलेंगे। जोगी भाई, पहले ही मेरा दिमाग खराब है, अब उसका दही मत बनाओ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो वो साफ साफ बताओ। ओके, मेरी बात गौर से सुनो। इल्लीगल ट्रांसफर के बारे में मालूम है ना? लेक्चर दे सकता हूं। तुम खामोश रहो। ओके। उससे वाकिफ हूँ, लेकिन वो सही है या गलत ये नहीं जानती। इनकम टैक्स से बचने के लिए सब कारोबारी अपनी ब्लैक मनी का सौदा हवाला दलाल के नेटवर्क के जरिए करते हैं। दलाल पैसे के बदले में उसको एक कोड देता है, वही कोड दूसरी पार्टी को दिया जाता है। इस तरह इनकम टैक्स से बचा जा सकता है। इस मूरत के सौदे का कोड नंबर 10 के नोट पर लिखा है। जिसके पास ये कोड रहेगा उसी को पैसे मिलेंगे। आज शंकर वो 10 का नोट लेकर पैसे कलेक्ट करने जाने वाला है। अगर उसकी जेब काट कर 10 का नोट हासिल कर लिया जाए तो 10 करोड़ हमारे हो जाएंगे। अब इस बार कोई झोल नहीं होना चाहिए। अब पिछली बार जुबान फिसली तो पैसे भी फिसल गए। जुबान से ज्यादा दिमाग चलाया कर। ये सब दफा करो, लेन देन कहाँ होने वाला है ये बताओ। जरा ये पता बताएंगे? ये इमारत तो लगता है उस जानिब है। अच्छा, यहाँ से? ओके। नहीं, शायद उस जानिब है। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं, शुक्रिया। पैसा निकालो। अरे है? क्या हुआ जनाब? अब समझा, मेरी जेब काटी, अब मैं तुम सबको काट डालूंगा। देख लो, यही नोट है ना? यही है वो। अरे जरा दिखाओ यार। इसको कहते हैं असली 10 कदम। हेलो स्वाति। एक घंटे के अंदर वो मूरत चाहिए, नहीं तो। क्या हुआ यार? स्वाति अगवा हो गई है। हाँ? दुर्गा को अगर वो मूरत नहीं मिली तो वो स्वाति को मार देगा। जोगी, शंकर का नंबर दो। लेकिन वो किसके लिए? क्योंकि वही हम लोगों को मूरत तक पहुंचाएगा। वो ऐसा क्यों करेगा? वो नहीं, ये 10 का नोट करवाएगा। अरे पागल हो गया क्या? हमने ये मौका गवाया तो दोबारा नहीं मिलेगा। जैकपॉट जिंदगी में बार बार नहीं लगता, और मूरत मिलने के बाद दुर्गा हम लोग को जिंदा भी नहीं छोड़ेगा, समझ गए? और कोई चारा भी नहीं है। मेरे 5 करोड़ का क्या होगा भाई? हमें हर हाल में ये ट्रांजेक्शन रोकना होगा, प्लीज एलेक्स।
अब अरे पता है भाई कि होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करके देख लो ना। अरे सुनो, हाँ ओके ओके भाई ओके। क्या हुआ भाई? कहता है रोकना मुश्किल है। हेलो हेलो, मैं सूर्या। सूर्या? कौन सूर्या भाई? वही सूर्या जिसने तुम्हें मूरत फरोख्त की थी, मुझे वापस चाहिए। अरे 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 अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों, डील का 10 करोड़ खुद खाएगा और हमारे हिस्से में आएगा बस 5 लाख। और कितना चाहिए तुम्हें? 10 करोड़ हासिल करने के लिए वो 10 का नोट है हमारे पास, पैसे नहीं मूरत चाहिए। दिए दिए कहाँ चाहिए ये बताओ। मैंने हर तरह के अहमक देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा आला अहमक मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ए, तलाशी लो इसकी। भाई जाने बटुआ मिला है। ये तो सिर्फ आधा नोट ही है, बाकी हिस्सा कहाँ है भाई? बाकी का हिस्सा मिलेगा किस्सा खत्म होने के बाद। मैं ये भी जानता हूँ कि मूरत तुम्हारे पास नहीं है, तो भाईजान मुझे बता दो मूरत कहाँ है, और तुम्हारा आधा नोट आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। होटल नोवाटेल 305। भाई वजीर का फोन है। फिर से दे। बोलिए जनाब। मुहूर्त का क्या हुआ? उसी काम में लगा हूं जनाब, आज शाम तक किसी भी हाल में हासिल हो जाएगी, आप जरा भी फिक्र मत कीजिए। ये आखिरी मौका है, अगर शाम तक वो मुहूर्त मुझे नहीं मिली तो पुलिस तुम्हारे घर पहुंचेगी। इसको बोलो कॉल करे, उन लोगों को अभी कॉल करो। अरे कॉल करो ना। अगर मुंह पर टेप रहेगा तो बात कैसे करूंगी? क्या हुआ? नंबर बिजी है उसका। झूठ बोल रही हो तुम, जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा कत्ल कर चुका हूं। स्पीकर ऑन कर। नहीं, काट दे। तुझे सेब नहीं फोन काटने के लिए बोला। भाईजान सूर्या का फोन है। hey, तुम्हें मुहूर्त मिली? हाँ भाईजान, उसका पता चल गया है, शाम तक आपको मिल जाएगी। मेरे साथ खेल मत खेलना। कभी नहीं भाईजान। स्वाति कैसी है? स्वाति स्वाति क्या हुआ? स्वाति खैरियत तो है? स्वाति डर गए, निशाना चूक गया और वो तर्मा की सांसें चल रही है। एक घंटे में मुहूर्त लेकर आना, अगर मुहूर्त नहीं मिली तो फूलों का हार लेकर आना। क्या हुआ? आ
चाहिए तीसरी मंजिल पर। ओके, थैंक यू। मोना तुम बाहर नजर रखो, मैं रूम चेक करके आता हूं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे फोन करना, ठीक है? अरे खोलो ना यार, क्या कर रहे हो? क्या करें? ए इधर आओ, इधर आओ। हाँ, हाँ, संभालो इसको। होटल की सर्विस अच्छी है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा है। शुक्रिया, मिल गया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चल पूरा रूम छान मार। अरे अरे वहां जाकर देख, अरे ये देख, या टेल मी योर राफ्ट गिफ्ट हैज अराइव्ड। ओके आई विल बी राइट देयर। वो कहां है? मिल ही नहीं रहा है यार। कहां छपा दिया भालू कहीं का, नहीं मिल रहा। कहां रखा है? हाय डार्लिंग, गुड। Hey Surya, idhar aa. Yeah, looking so beautiful. Thank you. Locker mil gaya? Acha. Lekin iske liye to code chahiye. Khul jao. I'm sure you're gonna have a good time. I know I will. Come on, pick up the phone aur uthao jaldi. Nahi khul raha hai. फोन उठाओ, वो आ रहा है। हेलो, अबे चल 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 चल। वेलकम माय स्वीट हार्ट। थैंक यू डार्लिंग। ओह माय गॉड, यू आर सो स्मूथ एंड यू आर सो हॉट। मुरत मिली क्या? कालिया ने लॉकर में रख दिया है। ओह, तो अब क्या किया जाए? What? What a hot bag. दलाल। कुछ नहीं बॉस, आधा नोट तुम्हारे पास है और आधा नोट मेरे पास है। अगर डील में दिलचस्पी हो तो बोलो। तुम मुझसे डील करेगा? तो आप क्या चाहते हैं, हर दफा सिर्फ आप ही डील करेंगे? अपनी कीमत बोल। बस 5 करोड़। जगह बोल। नोवो टेल। 15 मिनट में तेरे मुंह पर मारने आ रहा हूँ, जल्दी से होटल में चल चल।
मैं होटल में पहुंच गया हूं। तहखाने में हूं। तहखाने में चल। नोट कहाँ है? अरे पहले पैसे तो दिखाइए। आजा। नोट असली है कि नहीं चेक कर रहा था, क्या मालूम बीच में नकली नोट हो। ठीक है ना? पहले आधा नोट दे। मुझे भी अपने जैसे समझा है क्या? अम्मी। भाईजान, इस लड़की की अम्मा का फोन है। भाईजान स्पीकर ऑन कर। हेलो अम्मी। क्या हुआ, फोन उठाने में इतनी देर क्यों की? बस ऐसे ही, जरा मसरूफ थी, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाद में नहीं, अभी मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, उसकी तस्वीर तुम्हें मोबाइल पर भेजी है, जल्दी से देखकर मुझे बता देना। हाँ ठीक है, देखकर कॉल करूँगी, फिलहाल फोन रखिए। ये क्या था, शादी का न्योता? हाँ मैं भी कुंवारा हूँ। बटन खोल भाईजान। ऐसे मैं भी कुंवारा हूँ। ये मूरत का मामला सेटल होते ही जिंदगी में सेटल होने का प्लान बनाते हैं, क्या कहती हो? हे, सूर्या को फोन लगा। हेलो स्वाति, कान में खोट है क्या? लड़का और लड़की की आवाज समझ में नहीं आती। माफी भाईजान, यहाँ नेटवर्क की दिक्कत वो है। सब दफा कर। वो मूरत कहाँ है? भाई मूरत कहाँ है ये पता है, बस जरा देर में मिल जाएगी। अब तेरे पास 15 मिनट बचे हैं, नहीं तो स्वाति इस दुनिया में नहीं बचेगी। ये स्लीपिंग ब्यूटी की तो चट उठ उठ सोडा ला। मूरत कहाँ है? आइडल नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? वो कांटा ला तो बे। लॉकर का कोड बोल, बता कोड, टेल मी कोड, नहीं तो ब्लाइंड बना दूंगा, जल्दी बता। 1187। अच्छा लॉकर तो खुला है, लेकिन मूरत गायब है, कहाँ गई? Where is the Ganesh idol? वो लड़की लेकर गई। It wasn't in locker. मैंने कहा वो लड़की लेकर गई। चलो चलो भागो, वो हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। चलो चलो चलो, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। अरे जल्दी जल्दी भागो। अरे इधर से इधर से, ए जल्दी निकलो। Damn it, it's not open. Come come come. We'll be right back.
अरे यार ये स्टूपिड लिफ्ट। पैसे दीजिए मैं चलता हूं। उस जानिब जाओ। ए हट बैठ। अरे अरे हट बोलो ना। अरे अरे ए बाहर निकालो। ए निकल बाहर, निकल निकल। चलो बैठो, चल पीछे कर लो। ए मेरे पैसे, मेरे पैसे। सूर्या? हाँ? सूर्या मुहूर्त जल्दी करो, पीछे ही आ रहा है। सूर्या कार रोको। ए बुलबुल चल उतर। अरे इसको उतारने के बाद भी वो हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? कार में बैठने से पहले मैंने शंकर का बटुआ मार लिया था। अबे क्या बोल रहा है? मिलने के बाद भाईजान तुमसे निकाह करने की कोशिश जरूर करेंगे। पहले कभी हनीमून पर गई हो? भाईजान तुम्हें झुमरी तलैया ले जाएंगे। अगर तुम्हें स्विट्जरलैंड जाना है और हवाई जहाज से, तो तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा लड़की। क्या? क्या कह रहे थे? मुझे स्विट्जरलैंड ले जाओगे? भाईजान की कसम, अगर तुम चाहो निकाह से पहले चलो। भाई दुर्गा की गिरफ्तारी का फरमान जारी हुआ है। तुम्हारा खेल खत्म। भाईजान 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 भाईजान, सूर्या का फोन। जल्दी बोल भाई, वो मूरत मिल गई है। बस ये बताओ कहाँ लानी है। मूरत मिल गई है, कहाँ लेके आ जाऊं? तुम कहाँ हो? डॉग हाउस। ठीक है वही रुको, हम अभी आते हैं। चलो वो लोग अंदर गया। गाड़ी बंद मत करना, मैं पैसे लेकर आता हूँ। जनाब ठीक
इस जानिब। गिव ऑर्डर। गिव मी। गिव मी माय ऑर्डर। अरे दे दे। कम ऑन क्विक। दे दे ना। क्विक क्विक क्विक। गिव इट कम ऑन। गिव मी गुड बॉय गुड बॉय। इन्हें हिलने मत देना। मुझ पर रहम करो, मना मत करना। बराए मेहरबानी मुझसे निकाह कर लो, मैं तुमको बेइंतहा खुशी दूंगा। प्लीज भाईजान, मैं मुहूर्त ले आया। पहली बार गलती से सही काम किया। हाँ भाईजान, लगता है पहली दफा बंदूक पकड़ी है, इसे आखिरी दफा मत बनाओ। चलो गन नीचे करो। हाँ पहली बार है। हाँ तुम्हारी लंबाई और इस मोटे की चौड़ाई पर तो निशाना लगा ही लूंगा। हाँ सूर्या, मेरी मदद करो भाई। हाँ, अभी आते हैं। हाँ, अभी करते हैं। हे, लाइट ऑन करो। मेरे हाथ में बंदूक है, तुम ऑन करो ना। मेरे बाकी सारे आदमी कहाँ हैं? भाईजान आपका वारंट निकलते ही बाकी सब गांव भाग गए। भाई गोली चलाऊं क्या? अंधेरे में भी मेरा निशाना चूकेगा नहीं। हे, तुम गोली चलाओगे तो उसको गोली लग भी सकती है या नहीं भी लग सकती है, लेकिन अगर उसने गोली चला दी ना तो पक्का मुझे लगेगी। Hey, कब तक ऐसे गन लेके खड़े रहेंगे? चल सुलह करते हैं, तुम उस दरवाजे से बाहर जाओ, मैं इस दरवाजे से बाहर जाता हूँ। वो पहले ही फरार हो गया भाई। वो फरार हो गया तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चल निकल। hey, भाई जान, मुझे हर हाल में वो मूरत चाहिए। ठीक जाओ ढूंढो। अलमारी जरा छोटी है ना, तुम्हें लगता है वो लोग इसमें छुपे होंगे? एक काम करो, वहां पीछे जाकर देखो। तेरी तो चल बाहर। हम जैसे ही बाहर निकले उसे गोली मार देना। ठीक है जनाब। हाँ, हमने कभी तुम्हारी रकम रोकी है क्या? इसलिए तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। दोनों काम का पैसा एक ही साथ दे दूंगा। जल्दी से पहुंचो। अब्बू, ये जेलर पत्ते नहीं खेलने दे रहा है। उसके अब्बा की जेल है क्या? अभी फोन करता हूँ। अरे रुको, भाग कर कहाँ जा रहे हो भाई लोग?
बटुआ बटुआ फौरन बटुआ निकालो निकालो भाई लाओ। बटुआ बटुआ मुझे दे। आइडल 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 मुहूर्त मुहूर्त दे। निकाल। आइडल आइडल hey, इसे तो मैं भी शूट कर सकता हूं। गरीबी हटाने के लिए गरीबी टैक्स लगाना पड़ेगा। वाह वजीर साहब सही वक्त पर तशरीफ लाए हैं। वजीर ने कहा कि हम लोगों को दोनों पेमेंट एक साथ कर देंगे। ऐसे हम लोगों को इस खंडहर में क्यों बुलाया होगा? अरे कोई खास काम होगा इसलिए बुलाया होगा। और कौन होगा? मिनिस्टर के रास्ते का कांटा? अरे दुर्गा लापता को लापता करना होगा। सिगरेट दे भाई। चंगू हाँ। इस इमारत का नाम अजीब है। यू मीन डॉग हाउस? इन वजीरों के पास पैसों की कोई कमी थोड़ी है। डॉगी के लिए भी अलग बंगला। इतना बड़ा घर डॉगी के लिए? इल्म नहीं है क्या तुम्हें? अगली मर्तबा किसी रईस का डॉगी बनना। अगर इसने डॉगी के लिए इतना बड़ा घर बनवाया है तो माशुका के लिए कितना बड़ा घर बनवाया होगा? बकवास बंद कर, उसे भैंस के तबेले में रखा होगा। किसका फोन बज रहा है? मेरी अहलिया का फोन है। है? फोन उठाना, हम सब लोग जरा देर का ब्रेक लेंगे। कितनी बेहुदा रिंगटोन है। अरे फोन उठाना। बोला था यहां तो पूरी बारात है। We'll be right back.
वजीर दाखिला गुंडे सारे आ गए हैं, सिर्फ वजीर आला बाकी हैं। जल्दी निकलो यहाँ से। जाना कहाँ है? पहले कोतवाली चलते हैं। पुलिस स्टेशन? वो क्यों? क्यों नहीं, शायद तुम अभी तक नहीं समझे, जो भी उस मुरत को चुराने की कोशिश करता है मर जाता है। इस मुरत की सही जगह मंदिर में ही है। बजा फरमाया, कोतवाली ही चलते हैं। तेरी अम्मी, अम्मी सूर्या, मूरत को भूल जा, मेरे पास वो नोट है जिससे पैसे मिलेंगे। वो नोट भिखारी भीख में भी नहीं लेगा। क्यों? तुम्हें वो दुकान मालूम है जहाँ से वो नोट बदला जाएगा? जो दुकान के मुतालिक जानते थे उनके इंतकाल हो चुके हैं। छह, बस हो गया, बस बहुत हो गया। किसी की तस्वीर मत भेजना, इस बार तस्वीर मैं भेजूंगी। उसका नाम सूर्या है, वो HP कंपनी में काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वही फाइनल है। क्या हुआ? खुशी से हवा निकल गई। ओके ओके। हेलो, नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे पैसे मिल गए। क्या हुआ? मूरत अपनी सही जगह पे पहुंच गई। उसका अफसाना यही खत्म होता है और हीरो का अफसाना शुरू होता है। इससे कब्ल की स्वाति को पूरी हकीकत का पता चल जाए, हीरो HP कंपनी में नौकरी हासिल करने की कोशिश करता है। कहीं सर्टिफिकेट चुराया हुआ तो नहीं है? HP क्यों बोल दिया? ए भाई, आसपास कोई अच्छी नौकरी दिला सकता है क्या? पीछे से एंट्री हो सकती है। अरे बैकडोर क्या, खिड़की, रोशनदान, कुछ भी हो उसमें घुस जाऊंगा बस, और क्या। ठीक है, 12 लाख दे दो, इन्फोसिस में तुम्हें लगवा देता हूँ। इन्फोसिस नहीं भाई जान, HP में ही चाहिए नौकरी। भाई तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। जाओ यार, जाओ जाओ। अरे करा, कुछ नहीं होगा। सूर्या समझ गया कि जॉब तो उसको किसी भी सूरत में नहीं मिलने वाली थी, इसीलिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कारोबार शुरू किया। उसने स्वाति को बताया कि नौकरी में तरक्की की उम्मीद बहुत कम होती है, इसीलिए कारोबारी बन गया। और हर बार की तरह बेचारी स्वाति इस बार भी उसकी बातों में आ गई। आखिरकार मोहब्बत तो अंधी ही होती है ना।